बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आल टू लर्न। आज की इस वीडियो में हम नैब ऑर्डिनेंस की समरी करेंगे। अभी जो आने वाला है टेस्ट FPSC की तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर नैब के लिए, उसकी तैयारी के लिए तकरीबन 16 से 20 क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे नैब ऑर्डिनेंस में से। तो नैब ऑर्डिनेंस पूरा याद करना मुश्किल है और वर्डिंग मुश्किल होती है, तो मैंने शॉर्ट समरी बना ली है। इसकी जो मेन हेडिंग है सेक्शन की, उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके तैयारी कर सकते हैं। अभी जो मैं करने लगी हूँ, इसकी जो डेफिनेशन है उनकी शॉर्ट समरी है, जो सेक्शन है उनकी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बताऊँगी कि उनके अंदर सेक्शन के अंदर क्या है। ये जो नोट्स हैं, शॉर्ट समरीज हैं, ये आपके असिस्टेंट डायरेक्टर नैब के लिए काम आ सकते हैं, डिप्टी डायरेक्टर नैब के लिए भी काम आ सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 2 जो है, कमिशमेंट्स रिलेटेड विच अफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1985। तो ये इसका नोट मेन क्या है इसमें, कि ये जो है ये 1 जनवरी 1985 से जो है ये एक कमिशमेंट इसकी हुई है नैब ऑर्डिनेंस 99 की। एप्लीकेशन है होल ऑफ पाकिस्तान, ऑल पर्सन इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग फाटा एंड फाटा। करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस सेक्शन नंबर 9 है रिलेटेड, कमिटेड बाय होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस और एनी अदर पर्सन इज कोगनाइजेबल अंडर नैब ऑर्डिनेंस 1999। सेक्शन नंबर 9 इससे डील करता है। सेक्शन नंबर 10 जो है, पनिशमेंट फॉर करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, पनिशमेंट अप टू 14 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट और फाइन आर बोथ। सेक्शन नंबर 11, इम्पोजिशन ऑफ फाइन शैल नॉट बी लेस देन द गेन ड्राइव बाई दी अक्यूज्ड। तो जो इम्पोजिशन ऑफ फाइन है इससे कम नहीं होना चाहिए जितना उसने फ्रॉड किया है। अगर 10 लाख का फ्रॉड किया है तो फाइन भी 10 लाख का ही होना चाहिए या इससे ज़्यादा। पावर टू फ्रीज प्रॉपर्टी, चेयरमैन आर द कोर्ट कंटेम्प्ट टू ऑर्डर फ्रीजिंग आर मूवेबल आर इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो पावर किसके पास है, चेयरमैन ऑफ द कोर्ट, उसके पास पावर है टू फ्रीज द प्रॉपर्टी। सेक्शन नंबर 13, क्लेम और ऑब्जेक्शन अगेंस्ट फ्रीजिंग, ऑब्जेक्शन अगेंस्ट फ्रीजिंग आर टू मेक विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रीजिंग। तो जो क्लेम है आप 14 डेज के अंदर कर सकते हैं, अगर आपका प्रॉपर्टी फ्रीज हुई है तो 14 डेज के अंदर अंदर क्लेम करना होगा। सेक्शन नंबर 14 है, प्रिजम्पशन अगेंस्ट अक्यूज एक्सेप्टिंग इलीगल ग्रंटिफिकेशन, द बर्डन ऑफ प्रूफ डैट द प्रॉपर्टी इज एंड अरेस्ट वर इन अकॉर्डिंग्स विद हिज प्रिक्वेरी रिसोर्स ऑन अक्यूज, के अक्यूज के ऊपर है यानी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है उसने प्रूफ करना है कि ये प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड है। सेक्शन नंबर 15 है, डिस्कालीफिकेशन टू कंटेस्ट इलेक्शन आर होल्ड पब्लिक ऑफिस, पर्सन कन्विक्टेड स्टैंड डिसक्वालिफाइड फॉर 10 ईयर शेल सीज टू होल्ड पब्लिक ऑफिस इफ़ एनी फोर्थ वर्ड के। अगर आपको 10 ईयर की सज़ा मिली है तो आप कोई भी पब्लिक ऑफिस यानी कोई गवर्नमेंट जॉब या इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ सकते। सेक्शन नंबर 16 एंड ट्रेल ऑफ ऑफेंसेस, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट हैज़ द एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन टू ट्राई अंडर नैब ऑर्डिनेंस 1999। द चेयरमैन हैज़ अथॉरिटी टू फाइल अ रेफरेंस। तो अथॉरिटी किसके पास है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस की, चेयरमैन नैब के पास है। सेक्शन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 16A, ट्रांसफ़र ऑफ केसेस, द चेयरमैन में अप्लाई डेट अ केस बी ट्रांसफ़र टू द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। तो चेयरमैन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है जो केसेस हैं, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 6 मंथ एंड विद फाइन एक्सटेंडिंग टू रेस 1 मिलियन, यानी 10 लाख तक का फाइन हो सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर। और प्रोविजन ऑफ कोर्ट टू अप्लाई CRPC शेल अप्लाई द कोर्ट में डिस्पोज विद एनी प्रोविजन ऑफ द कोर्ट एंड फॉलो एनी प्रोसीजर एज इट मे बी डीम फिट। कोर्ट के ऊपर है ये। और कोग्निशन ऑफ ऑफेंसेस, द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट कैन ओनली टेक कोग्नाइजेंस ऑफ एनी ऑफेंसेस। तो ये कोर्ट के ऊपर है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है, कोग्नाइज ऑफ एनी ऑफेंसेस अपॉन रेफरेंस बाय द चेयरमैन नैब और ऑफिसर ऑफ द नैब ड्यूली अथोराइज बाय हिम, यानी जो ट्रांसफ़र किया होगा केस नैब ने या नैब ने अथॉरिटी किसी ऑफिसर को दी होगी तो वो है।
सेक्शन नंबर 19 है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन द चेयरमैन नैब आर मैनी एनी अदर अथोराइज ऑफिसर मे कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्राम एनी पर्सन ड्यूरिंग इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इज इन कुरेक्शन विद द प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस। तो वो जो क्लेम है पावर के लिए वो इंफॉर्मेशन किसी से भी मांग सकता है जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, तो वो पावर उसके पास होगी। सेक्शन नंबर 20 है रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू टेक नोटिस ऑफ अनयूजुअल और लार्ज ट्रांजैक्शन विच मे नेवर अपेरेंट इकोनॉमिक और लॉफुल पर्पज़। तो ये बैंक के ऊपर जिम्मेदारी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर कि वो नोटिस लें जो बहुत अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होती हैं और लॉफुल पर्पज़ शैल बी रेफर टू चेयरमैन नैब। फेलियर टू डू इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडिंग टू 5 years और विद फाइन और बोथ। अगर बैंक जो है इसको इग्नोर करता है अपने बेनिफिट के लिए कोई लॉफुल एक्टिविटी है, तो बैंक के ऊपर भी 5 साल की इम्प्रिजनमेंट का केस या फाइन हो सकता है। सेक्शन नंबर 21 है इंटरनेशनल कोऑपरेशन और सेक्शन नंबर रिक्वेस्ट फॉर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इंटरनेशनल कोऑपरेशन और असिस्ट फॉर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस द चेयरमैन नैब और ऑफिसर्स अथॉरिटी बाय द फेडरल गवर्नमेंट में रिक्वेस्ट अ फॉरेन स्टेट टू हैव एविडेंस टेकन ऑब्टेन फ्रीज एसेट कन्फिसिकेट आर्टिकल्स ट्रांसफर सच एविडेंस आर आर्टिकल आर एसेट टू पाकिस्तान एंड ट्रांसफर द पर्सन इन कस्टडी टू पाकिस्तान। तो आप बाहर कोई ममालिक में है अक्यूज, तो हम उसको बुला सकते हैं, उस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लीगल असिस्टेंस ले सकते हैं। सेक्शन नंबर 22 है जुरिसडिक्शन द चेयरमैन नैब मे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट एनी सस्पेक्टेड ऑफेंस इन कंजक्शन विद एनी अदर एजेंसी और विद एनी पर्सन। तो ये उसके पास अथॉरिटी है चेयरमैन नैब के ऊपर कि वो खुद नोटिस ले सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वाइड वंस द चेयरमैन नैब इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन इन द ऑफेंस अंडर द ऑर्डिनेंस नो अक्यूज पर्सन शैल ट्रांसफ़र आर क्रिएट एनी चार्ज आर एनी प्रॉपर्टी एंड सच ट्रांसफ़र शैल बी वाइड। यानी वो जो भी एग्रीमेंट करेगा, अगर चेयरमैन नैब तफ्तीश कर रहे हैं उसके दौरान जो अक्यूज है वो कोई भी एग्रीमेंट करेगा या प्रॉपर्टी लेगा या कोई भी डील करेगा तो वो वाइड होगी, यानी अनलॉफुल होगी, उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होगी। द कंट्रावेंशन इज़ पनिशेबल अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन नॉट एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर फिर भी वो ऐसा करेगा तो उसके ऊपर 3 साल की कैद है और प्रॉपर्टी की जितनी कीमत है उतना उस पर फाइन लगेगा। सेक्शन नंबर 24 है अरेस्ट से द चेयरमैन नैब हैज़ पावर टू ड्रैग द अक्यूज बी अरेस्टेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केसेस। चेयरमैन ऑफ जो नैब है वो अरेस्ट कर सकता है जिसके ऊपर केस है। द चेयरमैन नैब आर एन ऑफिसर ऑफ नैब अथॉराइज बाई हिम मे सबमिट अ रेफरेंस बिफोर द कोर्ट कि उससे पहले कोर्ट में रेफरेंस देना पड़ेगा। कस्टडी ऑफ नैब फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 days द चेयरमैन नैब द अथॉरिटी टू डिक्लेयर एंड नोटिफाई एनी प्लेस एज अ पुलिस स्टेशन एज अ सब जेल फॉर इज डिस्क्रेशन। तो वो कोई भी जो सब जेल बना सकता है, जिधर अपनी मर्जी है उसको वो रख सकता है, लेकिन उससे पहले कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन नंबर 25 वॉलंटरी रिटर्न और प्लिया बार्गेन द कोर्ट आर चेयरमैन है विद अप्रूवल ऑफ कोर्ट और एपीलेट कोर्ट एज द केस मे बी रिलीज द अक्यूज। तो ये वॉलंटरी रिटर्न या वो जो है वो खुद जो केस है वो वापस ले सकता है। पेमेंट ऑफ लोन एक्सेट्रा अरेस्ट आर एनी कस्टडी अक्यूज रिगार्डिंग विलफुल डिफॉल्ट कैन अप्लाई टू द गवर्नमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉर रिकॉन्सिलिएशन और टेंडर फॉर पैराडॉन टू कम्प्लाई कम्प्लाइज प्लिया बार्गेन द चेयरमैन नैब एट एनी स्टेज इज एम्पावर टू टेंडर फुल और कंडीशनल पैराडॉन टू एनी अक्यूज विद व्यू टू ऑब्टेन एविडेंस ऑफ सच पर्सन हु इज सपोज टू हैव बी डायरेक्टली अन डायरेक्टली कंसर्न इन प्राइवी टू द ऑफेंसेज। तो ये चेयरमैन नैब की ऊपर अथॉरिटी है कि वो कभी भी दरमियान में विड्रॉ कर सकता है। पावर टू सीक असिस्टेंस द चेयरमैन नैब आर पर्सन अथॉराइज बाई हिम टू सीक फुल एंड कम्प्लीट असिस्टेंस फ्राम एनी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस। तो वो
किसी भी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके पास अथॉरिटी होती है। सेक्शन नंबर 28 है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड स्टाफ इन द नैब, तो ये किसके पास अथॉरिटी होती है कि वो नैब के ऑफिसर्स और स्टाफ को अपॉइंट करे। चेयरमैन नैब इज अथोराइज टू अपॉइंट ऑफिसर और स्टाफ एंड द टर्म एंड कंडीशन बी डिटरमाइंड विद द अप्रूवल ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। प्रोविजनल ऑफ सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 आर नॉट एप्लीकेबल टू पर्सन अपॉइंटेड इन नैब। सेक्शन नंबर 29 अक्यूज टू बी कंपिटेंट विटनेस, द अक्यूज इज अ कंपिटेंट विटनेस फॉर हिज डिफेंस बट ही कैन नॉट बी कंपेल्ड टू मेक एनी स्टेटमेंट। सेक्शन नंबर 13 है फॉल्स एविडेंस, द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इज एम्पावर्ड टू टेक कोगनाइजेंस ऑफ फॉल्स एविडेंस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। और सेक्शन नंबर 31 है प्रोहिबिशन टू हैम्पर इन्वेस्टिगेशन, एनी पर्सन हु कंप्रोमाइज हैम्पर मिसलीड जियोपर्डाइज आर डिफीट एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ केस अंडर प्रोसेस बिफोर नैब चेयरमैन इज डीम्ड टू हैव कमिटेड करप्ट प्रैक्टिसेस, हाउएवर नो पर्सन कैन बी प्रोसीडेड अंडर दिस सेक्शन ऑफ नैब। कमेटी कंप्राइजेज ऑफ चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब और PGA। सेक्शन नंबर 31 है अकॉर्डिंग अब्सकेंडिंग टू वाइड सर्विस ऑफ वारंट, एनी पर्सन हु हैज अब्सकेंडिंग टू अ वाइड सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट और एनी अथॉरिटी और ऑफिसर अंडर नैब ऑर्डिनेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एक्सटेंडिंग टू 3 years। ये जो वो इम्प्रिजमेंट है, इम्प्रिजमेंट है, वो आप याद करें हर सेक्शन की अलग से के एब्सकेंडिंग टू वाइड सर्विस ऑफ वारंट 3 year की इसकी सज़ा होती है। सेक्शन नंबर 31 बी है विड्रावल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, द PGA मे विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट विदड्रॉ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी पर्सन एंड अपॉन विद्रावल टू अक्यूज शैल बी रिलीज ऑफ द ऑफ नॉट वांटेड इन एनी अदर केस। सेक्शन नंबर 31 सी कोर्ट टू टेक कोगनाइजेंस ऑफ ऑफेंस विद प्रियर अप्रूवल ऑफ द स्टेट बैंक, नो कोर्ट इज कंप्लीट टू टेक कोगनाइजेंस अगेंस्ट ऑफिसर ऑन एनी एम्प्लायर ऑफ बैंक विद रिगार्ड टू राइटिंग ऑफ मूविंग रिस्टोरिंग और रिफ्रेमिंग एनी फाइनेंशियल फैसिलिटी विद इन अप्रूवल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सेक्शन नंबर 31 डी है इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट द नैब इज प्रोहिबिटेड टू इनिशिएट और कंडक्ट एनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन विद रिगार्ड टू इम्प्रूडेंट लोन्स, डिफॉल्टेड लोन और रीशेड्यूल्ड लोन विदाउट अ रेफरेंस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सेक्शन नंबर 31 ई है प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस, द चेयरमैन नैब और द कोर्ट कैरी टेक शुड टेक मेजर फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस एंड देयर फैमिलीज। तो ये चेयरमैन नैब और कोर्ट के ऊपर है कि वो फैमिलीज जो विटनेस हैं विटनेस को उनकी फैमिली को प्रोटेक्शन दे। अपील एनी अपील कन्विक्टेड आर द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी इफ सो डिफीटेड बाई द नैब कैन फाइल एन अपील विद इन 10 days ऑफ द फाइनल जजमेंट बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ द प्रोवेंस। अगर आपके ऊपर कोई जुर्म आयद हो गया तो 10 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। एंड सच अपील आर टू बी हियर्ड बाय अ बेंच कंप्राइजिंग नॉट लेस देन 2 judges कंसेक्यूटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट 2 judges के ऊपर बेंच बनाएगा और वो आपका केस फिर जो आपने अपील की होगी वो सुनेंगे। आर टू बी डिस्पोजल ऑफ विद 30 days, नो अपील इज मेंटेनेबल अगेंस्ट एनी इंटरिम ऑर्डर ऑफ द कोर्ट्स। सिमिलरली ऑल कोर्ट आर रिस्ट्रेन फ्रॉम ग्रांटिंग एनी ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट। तो ये अपील का प्रोसीजर है। सेशन नंबर 33 जो है ट्रांसफ़र ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग, ऑल द प्रोसीडिंग ऑफ रेफरेंस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट कंस्टिट्यूटेड अंडर एहतसाब एक्ट 1997 टू ट्रांसफ़र टू द रिस्पेक्टिव अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। सेशन नंबर 33 है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट्रा, देयर मे बी पेड बोनस आर
एक्स जनरेट पेमेंट टू ऑफिसर और स्टाफ ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी बोर्ड एंड अदर्स रूल्स सेक्शन नंबर 34 रूल द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मे मेक द रूल फॉर कैरिंग आउट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस। तो रूल कौन बना सकता है नैब के जो हमारे पास है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सेशन नंबर 34 है डेलीगेशन ऑफ पावर बाय चेयरमैन। द चेयरमैन नैब कैन डेलीगेट एनी ऑफ हिज पावर एंड अथोराइज परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शन टू एनी ऑफिसर ऑफ द नैब। को अपनी जो पावर है वो किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी स्पेसिफिक केस के लिए। सेशन नंबर 35 है रीपेल ऑन कमिंग इन टू फोर्स ऑफ नैब ऑर्डिनेंस 1999 इतसाब एक्ट 1997 और आल्सो ऑर्डिनेंस नंबर 1997 स्टूड रीपेल। सेक्शन नंबर 36 है अडेनिटी नो सूट आर प्रोसिक्यूशन इज कंपिटेंट अगेंस्ट फेडरल प्रोविजनल गवर्नमेंट चेयरमैन और एनी पर्सन रिकॉग्नाइजिंग एनी पावर एज परफॉर्मिंग द फंक्शन और एनी थिंग डन इज गुड फेथ आर इंटेंडेड टू डन अंडर दिस इज ऑर्डिनेंस। सेक्शन नंबर 37 है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज कंपिटेंट टू मेक एनी ऑर्डर फॉर पर्पस ऑफ रिमूवल ऑफ एनी डिफिकल्टी रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनेंस। तो उसमें जो भी है अमेंडमेंट कोई डिफिकल्टीज आ रही है कोई लीक हो ले तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सेक्शन एब्सकेंडिंग वाइट सर्विसेज एंड अपील। ये वैसे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। पनिशमेंट फॉर कोर्ट है 14 ईयर और फाइन आर बोथ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पनिशमेंट है 6 मंथ फाइन और एक्सटेंडेड टू 1,000,000 है। ये शॉर्ट जो हमने पढ़ा है पनिशमेंट कौन कौन सी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की 14 ईयर फाइन और बोथ हो सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 6 मंथ फाइन और एक्सटेंडेड टू 1,000,000। सेक्शन इन 5 ईयर और फाइन आर बोथ और अगर आप कोई वाइड सर्विस वाइड एग्रीमेंट करेंगे तो 3 ईयर है। अपील विद इन 10 डेज फॉर कंडक्ट अगर आपने केस के ऊपर अपील करनी है 10 डेज के अंदर करनी है और फ्रीजिंग विद इन 14 डेज ऑफ फ्रीजिंग। तो ये था हमारा नैब ऑर्डिनेंस की समरी है। थोड़ी सी राइटिंग आपको मुश्किल से समझ आएगी लेकिन ये आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इस तरह आपके लिए नैब ऑर्डिनेंस को समझना बहुत आसान हो जाएगा जो आपके आने वाले टेस्ट के लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ बेल नोटिफिकेशन लाजमी दबाइए। मज़ीद इसके जो नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी भी मैं वीडियो बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।